नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय प्याज की पूरी दुनिया में बड़ी मांग, साल 2023 में 64% अधिक हुआ प्याज निर्यात। जी हां दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। प्याज के ताज़ा भाव, तेजी मंदी रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले भारत में प्याज के दाम 1 से 2 रुपये प्रति किलो मात्र रह गए थे। किसानों को प्याज फेंकना पड़ रहा था, लेकिन इन 5 से 7 दिनों में प्याज के भाव में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे मानसून जोर पकड़ेगा, प्याज के भाव में सुधार होता चला जाएगा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। भारत से के पहले चीन में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन किया जाता है। इस बार चीन में प्याज का उत्पादन काफ़ी कम है, इसलिए भारत से प्याज लगातार निर्यात हो रहा है। किसान भाइयों, जानकारों का मानना है कि 15 जुलाई के बाद प्याज के भाव में अच्छा खासा सुधार हो सकता है। जानकारों बता रहे हैं कि नाफेड ने प्याज की खरीदी का लक्ष्य 3 लाख टन रखा था, लेकिन अभी तक सरकार मात्र 1.5 लाख टन प्याज का स्टॉक कर पाई है, यानी सरकार के पास भी प्याज का स्टॉक काफ़ी कम है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्याज के भाव बढ़ने की पूरी संभावनाएं जानकार बता रही हैं, यानी प्याज के भाव इस साल अच्छे खासे किसानों को मिल सकते हैं। किसान भाइयों, प्याज के भाव 30 से 40 रुपये प्रति किलो के आसपास अगस्त तक पहुँचने की जानकार संभावनाएँ जता रहे हैं, लेकिन अपनी फसल बेचने व स्टोर रखने का निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।